नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। कल यानी कि रविवार जो गुजर चुका है उसमें बहुत सारे राज्यों में एक दिन का लॉकडाउन रहा और इस समय कोरोना से अपना देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। दिल्ली में आज लॉकडाउन लगा दिया गया है जो आने वाली 26 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है और जो ज़रूरी सेवाएं हैं वही केवल खुली रहेंगी। बाकी बहुत सख्ती से लॉकडाउन केजरीवाल ने ये घोषणा कर दी है। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के करीब पहुंच चुका है और आज शाम तक ये 20 लाख से भी ज़्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्टिव मरीज वो हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, बाकी या तो वो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। दूसरी ओर भारत में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा भी रविवार को करीब 1.5 लाख के पार हो चुका है। कुछ राज्यों में कर्फ्यू और लगाने की भी खबरें आ रही हैं, अभी लगाया नहीं गया है। बहुत जगहों पे केवल रविवार का कर्फ्यू किया गया है लेकिन दिल्ली में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्फ्यू लगा दिया गया है आज से जो आगामी 24 अप्रैल तक रहेगा। ये सारी कवायद जो है कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए चल रही है। सरकारें इस वायरस से देशवासियों की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस महामारी से बचने का केवल एक ही रास्ता है और वो है लोगों से दूरी, डिस्टेंस और कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना। आज हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि बहुत बार हमारा नेचर यानी कि प्रकृति की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, लेकिन कभी कभी प्रकृति ऐसा कर देती है कि हम खुद ब खुद प्रकृति को याद करते हैं, उसके नज़दीक जाना चाहते हैं और प्रकृति अपने होने का एहसास ऐसी ही महामारी के रूप में हमारे सामने ला करके खड़ा कर देती है। शायद इसीलिए दुनिया को हर 100 साल में एक बार कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ा है। पीछे मुड़ के देखें 400 साल पहले का अगर इतिहास हम पलटें तो ये सिलसिला चला रहा है और सबसे हैरानगी की बात है कौन साइड है कि हर बार ये महामारी सबसे पहले 1720, फिर 1820, फिर 1920 और अब 2020 में, और हम लोग 2021 में भी एक बार फिर से इसकी चपेट में आए हुए हैं। हर बीमारी के लिए दवा बनी है और बन रही है, लेकिन उस समय 400 साल पहले ऐसा संभव नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया ने बहुत तरक्की की है, दुनिया काफ़ी विकसित हुई है और ये जो नई बीमारी हमारे सामने आई है कोरोना, इसके वैक्सीन बन रहे हैं और बहुत सारी कवायद चल रही है ताकि इससे हर देश अपने नागरिकों को बचा सके। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी 400 साल में चार बड़ी बीमारियां आई। वो दौर था 1720 का, फ्रांस के एक छोटे से शहर मर्साइल में 1720 में एक महामारी फैलती है। इस महामारी ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ली। प्लेग के फैलते ही कुछ ही महीनों में 50,000 लोगों की मौत हो गई। 50,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए इसी बीमारी के कारण। उस समय लोगों को इस बीमारी का पता न होने के कारण कई शहरों में और कई प्रांतों में बीमारी ने पैर अपने पसार लिए और अपनी चपेट में ले लिया और धीरे धीरे ये बीमारी जो है बाकी देशों में भी फैली और प्लेग ने भारत पे भी अपना असर दिखाया, अपना आक्रमण किया और
माहौल ऐसा पैदा हो गया कि ये महामारी पाली से मेवाड़ पहुंची और फिर मेवाड़ से महामारी ने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया कि लोग इस बीमारी के नाम से ही डरने लगे। दरअसल ये बात सबको पता है कि प्लेग जो है चूहों से फैलने वाली बीमारी है। और फिर 100 साल के बाद 1820 आता है और एशियाई देशों में कॉलरा ने अपने पांव पसारे, अपना विकराल रूप दिखाया। इस महामारी ने जापान, भारत, बैंकॉक, मनीला, ओमान, चीन, सीरिया और ऐसे कई देशों को अपनी चपेट में लिया। बहुत सारे देशों में इससे बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ। जावा में 1,00,000 लोगों की जान इस महामारी में चले गई थी। थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी इससे काफ़ी मौतें हुई थी। और अब बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की। इसके बाद पिछली सदी यानी कि ठीक 100 साल पहले 1920 स्पेनिश फ्लू ने अपने पैर पसारे 1920 में। और इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लोगों की काफ़ी जानी गई। उस समय विश्व युद्ध का दौर था और ये फ्लू अमेरिका के सैनिकों में सबसे ज़्यादा फैला। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना गया और भारत में इस महामारी से लगभग 1 से 2 करोड़ जाने गई। 1 करोड़ और 2 करोड़, ये फिगर अपने आप में बहुत डिफरेंट है, 1 करोड़ और 2 करोड़। लेकिन उस समय चूँकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, सरकार ने लोगों को केवल और केवल आइसोलेट करके इस वायरस को काबू किया था और लोगों को बचाया था। और अब जिस खौफनाक बीमारी से हम सब जूझ रहे हैं, वो वक्त भी वही है। 2020 जा चुका है और मार्च में ही इस बीमारी ने ज़बरदस्त तरीके से दस्तक दे दी थी भारत में। और अब 2021 में फिर मार्च से ही इसके केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है और इतना विकराल रूप इस समय चल रहा है कि आज फिर देश की राजधानी दिल्ली में आज से 24 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन मीन्स सब कुछ बंद। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब डरने और घबराने की बजाय ये अच्छा है कि हम कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करें, जिन्हें वैक्सीन करवाया जाना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ वो कोरोना का प्रोटोकॉल फिर भी फॉलो करें, फिर भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। और हाँ, हमने 400 सालों में महामारी की बात की है, वो महामारी नहीं रही, तो ये जो चल रहा है ये सब भी ठीक हो जाएगा। ये तो वक्त भी ऐसा है जो गुजर जाएगा। हम पिछले साल भी बहुत डरे हुए थे और डरते डरते हम मार्च से फिर दीपावली तक आ गए और फिर न्यू ईयर तक पहुंच गए, और जनवरी में आते आते हम काफ़ी कोरोना को भूल भी चुके थे। और शायद इसी वजह से मार्च में फिर से इस बीमारी ने इतना विकराल रूप ले लिया। और अब अच्छी बात ये है कि इससे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन है। उन 400 सालों में ऐसी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं थी जिनसे उन बीमारियों से लड़ा जाता, लेकिन अब हमारे पास वैक्सीन है और बहुत सारे देश और भारत सब जगह पे वैक्सीन बन रही है। तो दोस्तों, ये थी 400 साल की महामारियों की एक छोटी सी स्टोरी जो बहुत ही दिल दहलाने वाली भी है। मेरे को आपको बताते हुए मेरी रूह कांप रही है कि किस तरीके से उस समय उस देश के मुखिया ने उस बीमारी से अपने लोगों को बचाया होगा। और इस समय इस बीमारी से जूझने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए कितनी सारी मेडिसिंस की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे मेरे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।